कुंचर कुछ तो कैसे हैं आप सभी, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेवन नाइट ट्रिबुलेशन के बारे में। तो आज हम सेवन नाइट ट्रिबुलेशन का एपिसोड नंबर 7 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चले एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो पिछले वीडियोस थे इसके बारे में, यानी कि इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, उनमें कमेंट आया है कि बहुत सारे लोग ने कमेंट किया है कि फारिया लड़का है या लड़की। तो गाइस, ऑब्वियसली शी इज ए गर्ल, यानी कि फारिया एक लड़की है, नेमो एक लड़का है, शीली एक लड़की है, एलन भी एक लड़की है, देन गारेथ एक लड़का है, गिल्डन एक लड़का है, देन जो एक लड़का है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि कौन लड़का है कौन लड़की अभी भी, तो कमेंट पर ज़रूर लिखना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये मेरी गलती है कि मेरे एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी आप लोगों ने नहीं समझा कि कौन लड़का है या कौन लड़की, ये मेरा ही गलती है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही सैडनेस से भरा हुआ है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमें देखा कि क्लैरी मर चुकी है। तो उसके मरने के बाद यहाँ पर जितने भी ग्रीसन एकेडमी के बच्चे हैं सब लोग डर चुके हैं एंड बहुत ही सैड है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है सब लोग इकट्ठा हुआ है ब्लैक ड्रेस में, एंड जो हमारा क्लैरी है उसके ग्रेप के सामने सब लोग प्रे कर रहे हैं उसके सोल के लिए। तो वहाँ पर सब लोग थे मगर यहाँ पर गारथ नहीं था। देन यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो लाइब्रेरियन होती है उन्होंने यहाँ पर प्रे करना शुरू कर दिया हमारे क्लैरी के शांति के लिए। तो यहाँ पर नेमो देखता है कि जो गारथ है वो दूर से ये सब सुन रहा था। तो नेमो फारिया को कह के गारथ के पास जाता है एंड गारथ के पास जाकर वो कहता है कि तुम क्या क्लैरी को पसंद करते थे। तो गारथ कहता है नहीं, मगर मैं अगर करता तो अच्छा होता, मगर क्लैरी मुझसे प्यार करती थी, ये बात सच है एंड ये सब मेरी गलती है कि मैंने उसे काम पे भेजा एंड उसकी जो हेल्प करने की रिक्वेस्ट थी वो मैंने एक्सेप्ट किया, ये मेरी गलती है। तो प्रेसिडेंट को बता देना कि मैं अब अकेला काम करूँगा, मैं उसके पीछे जाऊँगा जिसने क्लैरी को मारा है। देन यहाँ पर ये सब ख़त्म होने के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो एलन है एंड हमारे फारिया है, तो ये दोनों हेडक्वार्टर पे गए हैं एंड यहाँ पर एक बर्गोट वोल्केनो के बारे में बात हो रही है। जितने भी विलेज में फिजिक्स ने अटैक किया है उन सब विलेज के सेंटर में ये वोल्केनो है एंड इस वोल्केनो से बहुत ही मॉन्स्टर्स, यानी कि फिजिक्स की पावर आ रही है। सब गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के फिजिक्स जो है उनके पावर इस वोल्केनो में आकर इकट्ठा हो रहे हैं। जो लोग हेड्स है ये हेडक्वार्टर में, वो कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ा एक घटना घट सकता है। तो वो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अटैक करना है इस वोल्केनो पर। तो फारिया थोड़ा सोचता है एंड कहता है कि हम तो ज़्यादा कुछ नहीं जानते, ऐसे डायरेक्ट अटैक करना अच्छा नहीं होगा। देन जो एक हेड बोलता है कि यहाँ पर ड्रैगन रैम्पेज एंड यहाँ पर गिल्डन का हीरो फॉर्म इतना खतरनाक होना एंड क्लैरी का डेथ, ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत बड़ा एक संकेत है कुछ बुरा होने वाला है, तो हमें जल्दी से जल्दी अटैक करना पड़ेगा। तो फारिया कहता है कि थोड़े तो टाइम मिलना चाहिए क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तैयार नहीं है एंड यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं जानते इनके बारे में। फिर जो हेड है वो कहता है आमीज जर्मेन, जो कि फिजिक्स का लीडर है, उसने ही सारा काम कर रहा है ये फिजिक्स मॉन्स्टर के साथ एंड उसका एक अंडरग्राउंड बेस भी है। ये बात सुन के फारिया शॉक हो जाता है एंड कहता है आप लोगों ने इतना सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट किया। तो हेड कहता है ऐसे ही कलेक्ट कर लिया, अब तुम तुम्हारा काम करो, सारे स्टूडेंट को इकट्ठा कर वहाँ पर हमला करने की तैयारी करो। तो जो फारिया है वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तो वहाँ पर एलन भी थी, तो एलन ने फारिया को टेंशन मुक्त कराने के लिए
उसको एक प्लान बताया जिसे सुनकर फारिया भी बहुत ही खुश हो गई एंड दोनों ही अच्छे मूड में आ गई। देन यहाँ पर दिखाया जाता है नेमो जॉ एंड शीली एक जगह पर है एंड वहाँ पर गिल्डन आता है ये इन्फॉर्मेशन देने कि हम लोग अटैक करने जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। फिर जो गिल्डन है उससे पूछता है नेमो कि तुम्हारा अब शरीर कैसा है एंड तुम क्या लड़ सकते हो, तो गिल्डन कहता है हाँ मैं अब ठीक हूँ, मैं अब जल्दी से जल्दी लड़ना चाहता हूँ, जितने भी मॉन्स्टर आएंगे मैं सबको दो डालूंगा। एंड देन नेमो भी कहता है हाँ मैं हम लोग भी ऐसा करेंगे। देन जो जॉ एंड गिल्डन है वो नेमो से पूछते हैं कि वो वोल्केनो कैसा है, तो नेमो कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता, हम लोग तो सिर्फ उसे माउंटेन कहकर पुकारते थे, ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे उस वोल्केनो के बारे में। देन जो नेमो है वो क्लैरी के ग्रेप को विजिट करने जाता है। देन वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाता है और लाइब्रेरियन आकर नेमो को पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो नेमो कहता है सब लोग बहुत ही सैड है क्लैरी के मरने पर। तो जो लाइब्रेरियन है वो नेमो को कहता है तुम बहुत ही काइंड एक इंसान हो, यानी कि बच्चे हो। देन यहाँ पर फारिया जो है उसके सामने उसके हीरोइन योनोमिया सामा आ जाती है जो फारिया को कहती है कि इस जो फाइट है होने वाला है वो फाइट ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ ओल्ड लाइब्रेरी के बारे में। देन यहाँ पर दिखाया जाता है गारत बहुत ही रिसर्च कर रहा है ओल्ड लाइब्रेरी के ऊपर, तो वहाँ पर उसे पता चलता है जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थी उस लाइब्रेरी का उसका नाम जीनियस था, उसने लाइब्रेरी के साथ बेट्राई किया था एंड फिजिक्स के मॉन्स्टर्स के साथ ज्वाइन हो गया। इसके कारण जो इफोमिया समाह यानी कि फारिया की जो हीरोइन है उसने इस जीनियस को मार डाला, मगर फिर इफोमिया समाह जो कि फारिया की हीरोइन है वो कर्स की मदद से खुद भी बहुत ही घायल हो गई एंड लगता है मर भी गई। तो फिर गारत ने ये सोचा कि जिस कर्ज के लिए ये सब कुछ हुआ इफोमिया समा को, तो मुझे लगता है क्लैरी के साथ भी उस कर्ज के लिए ही ये सब हुआ। देन यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो फारिया थी उसने सुबह सुबह उठकर गाना गाना शुरू किया एंड देन नेमो यहाँ पर आ जाता है एंड उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। देन फारिया जो थी वो ये कहना शुरू कर देती है कि मैं जन्म के बाद से ही मुझे सबको बचाने के लिए मुझे ट्रेन किया गया था, मेरे फैमिली भी चाहते थे कि मैं बड़ी होकर सबको प्रोटेक्ट करूं, मगर मैं क्या असली में ये सब करना चाहती थी या मैं कर रहा हूं। तो फिर नेमो उसे मोटिवेट करता है कि तुमने मुझे बचाया एंड तुम बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर रहे हो, मैं श्योर हूँ कि तुम फ्यूचर में और भी अच्छे काम करोगी। देन नेमो के मोटिवेट करने के बाद फारिया समझ जाती है। देन सब लोग मिलकर एयरशिप में उठकर फिर अटैक करने के लिए जा रही होती है, तो एक तरफ से गिल्डान एक तरफ से जॉ अटैक कर देता है उस वोल्केनो पर। देन यहाँ पर एयरशिप से जो शीली है एलन एंड फारिया तीनों लड़की है वो लोग उतरते हैं एंड अटैक करने जाते हैं बेल्कोनो के ऊपर से और उनके पीछे नेमो था। तो जो वहाँ पर फाइट हो रहे थे फिजिक्स के साथ वहाँ से तीन लोग आए, उनमें से दो लड़के थे एंड एक लड़की थी एंड ये तीनों भी हीरोस हैं मगर विलेन हीरोस, इन लोगों के पास हीरोस के पावर है मगर ये लोग विलेन है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर थे एंड इमोर्टल थे वो लोग। तो यहाँ पर फाइट शुरू हो जाते हैं हीरोज वर्सेस विलेन की, तो यहाँ पर जितने भी हीरोज हैं हमारे यानी कि सेवन नाइट के मेंबर्स वो लोग बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगे एंड देन वहाँ पर बहुत सारे पावर्स बढ़ने लगे उनके और भी, क्योंकि उनका जो लीडर था उसने इविल गॉड्स के पास से और भी पावर पाने की बात किया इविल गॉड से। देन उन लोगों के पावर भी इंक्रीज हुई, देन वो लोग कहते हैं तुम लोग अब हमारे मैच के नहीं हो, हम लोग बहुत पावरफुल हो चुके हैं, तुम लोग अभी बच्चे की तरह काम कर रहे हो, ऐसा कुछ कहता है। तो यहाँ पर बहुत ही एक टेंशन खड़ा हो गया नेमो एंड उसके साथियों के लिए। तो वहाँ पर से हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ग्रीसन एकेडमी में गारत सेनपाई उस काम के लिए नहीं गया, वो अकेले ही यहाँ पर है एंड वो रिसर्च कर रहा है क्लैरी के डेट के ऊपर। तो वो देखता है क्लैरी जिस गड्ढे में
गिरा था उस गड्ढे में हमारा गारत आ जाता है एंड देन वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो सब कुछ नोटिस करता है कि अभी भी इस ओल्ड लाइब्रेरी के जो पार्ट्स बचे हुए थे उनमें फिजिस के मॉन्स्टर का प्रभाव अभी भी बचा हुआ है एंड वो लोग चारों तरफ से आना शुरू कर देते हैं गारत को मारने के लिए। मगर गारत बहुत ही अलर्ट रहता है एंड अपना सॉर्ड निकालता है उन लोगों को मारने के लिए एंड यहाँ से ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आज के एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इसके बाद जो बेल आइकन हो भी दबा देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आ रहा सही होना रहा।